सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेकिंग लाइफ। तो गाइस कैसे हो आप लोग? होप करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस हम लोग आज के माइनक्राफ्ट हार्डकोर के एक और न्यू वीडियो के साथ, और गाइस आज वाली वीडियो को प्लीज पूरा का पूरा देख लेना, और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज वाली वीडियो में हम लोगों को मिल चुका है अपना बेस्टियन, और गाइस मैं इसको सच में बिल्कुल भी ढूंढ नहीं रहा था, लेकिन पता नहीं ऑटोमेटिकली मेरे को ये मिल गया। मैं जैसे स्ट्रिप माइन कर रहा था उस टाइम मेरे को मिल गया ये। और गाइस देखो, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ हो सके तो इस वीडियो को अपने थोड़े से दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। और इस वीडियो का लाइक है मैं 20 लाइक्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करे बिना कोई मत जाना। और चलो अभी हम लोग निकलते हैं जल्दी से अपने बेस्टियन के लिए अंदर, और चलो यार निकलता हूँ मैं। अरे तू जा रही? तो गाइज ये वाला वो वाला बेस्टियन है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लूट मिलती है, तो मेरे को लगता है कि मेरे को इस बार ही बहुत खतरनाक वाली लूट मिलने वाली है। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, अपने ब्लॉक्स निकाल लेता हूँ मैं। और गाइज सच में इस वाले बेस्टियन में हद से ज़्यादा पिगलिन बूट्स होते हैं, तो मतलब आप लोग समझ सकते हो मेरे मरने के चांसेस हद से ज़्यादा है। तो चलो अभी मैं फालतूगिरी छोड़ता हूँ, और चलो अभी इसमें ऊपर को निकलते हैं। A few moments later. तो गाइस चलो मैं आ गया हूँ अपने बेस्टियन के ऊपर, और चलो अभी हम लोग इधर अपने लूट वाला मतलब जिधर लूट मिलती है ना अपने को, वो वाली जगह ढूंढते हैं। और शायद इस तरफ को नहीं, मेरे को उस तरफ को जाना पड़ेगा। और देखो उधर ऊपर को अभी से मेरे को पिगलिन ब्रूट दिखने लग गया है। चलो इसको इससे मारते हैं उसे, मगर क्यों? तो गाइस चलो देखते हैं, लगता है इसको शॉट, और ये लग गया और ये डायरेक्टली गिरा है अपने लावा पे। तो इसके बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, मतलब अपना एक पिगलिन ब्रूट कम हो गया, 5-5 होते हैं एक तरफ पे, मतलब इस तरफ जो 5 है तो उस तरफ को भी 5 हो गए, मतलब इन टोटल 10 ये होते हैं। मेरे को पूरे तरीके से पता नहीं, शायद 10 ही होते हैं अपने ब्रूट पिगलिन ब्रूट, और मैं पता नहीं क्यों अकला रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है। और चलो अभी हम लोग ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। और गाइस इधर ना गोल्ड मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी उसमें मिलने वाला है, और नीचे वाली चेस्ट में ना बहुत ज़्यादा ही अच्छी लूट मिलती है। अगर मेरे को उसमें नेदरराइट वगैरह मिल गए तो अपने लिए एक हिसाब से अच्छा ही है। तो चलो सबसे पहले मैं ये फालतू की छोड़ता हूँ, और ये देखो ये भी आएगा भाई। चल भाई तू भी जा नीचे, और ख़त्म। तो गाइस चलो अभी देखो ऊपर की तरफ को भी, यहाँ पे एक पिगलिन ब्रूट है, बस इन लोगों से एक बारी बच गया मैं। और ये देखो ये वाला फालतू में आया था, और ये भी गया नीचे। तो चलो अभी मैं फालतू गिरी छोड़ता हूँ, मैं सच में बहुत ज़्यादा फालतू गिरी कर रहा हूँ मेरे को पता है, लेकिन चलो वो वाली फालतू गिरी मैं छोड़ता हूँ। और सबसे पहले हम लोग अपने यहाँ से गोल्ड ब्लॉक्स निकाल देते हैं, और शायद वो वाला पिगलिन भी नीचे को आ गया। नहीं 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 आया, चलो मैं बच गया। और चलो अभी हम लोग अपने दोनों के दोनों गोल्ड के ब्लॉक निकाल लेते हैं। और गाइस सच में मेरे को ये एक्सीडेंटली मिला, मैंने इसको मतलब ढूंढने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी, और एकदम से मेरे को ये मिल गया। तो एक हिसाब से मतलब अपने लिए अच्छा ही है, मैं ढूंढना भी चाहता था इसको तो। और चलो अभी हम लोग अंदर को जाते हैं, और देखते हैं कि नीचे जाने के लिए कोई रास्ता भी है यहाँ से कि नहीं। हाँ देखो यहाँ से रास्ता तो है थोड़ा थोड़ा, लेकिन डैमेज पड़ेगा मेरे को नीचे जाते जाते बहुत ज़्यादा। और चलो मैं उसके ऊपर टारगेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लगी नहीं उसको, उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और चलो अभी हम लोग जल्दी से नीचे के लिए जाते हैं। ओ भाई साहब कितने सारे नीचे ये, और मैंने अभी तक अभी गोल्ड का भी कुछ नहीं पहना है मैंने भाई। मारना नहीं, बस मैं मरना चाहूँगी गलती से भी। भाई मैं कहाँ गिर रहा हूँ? और ये देखो पिगलिन ब्रूट भी यहीं पे था, तो ये तो मर जाएगा, ये वाला पक्का मर जाएगा। ये देखो 5 थे इन टोटल, 5 मार दिए मैंने अभी तक, और अब पता नहीं अभी कितने और आएंगे, अब पता नहीं। तो चलो अभी हम लोग ये बातें छोड़ते हैं और नीचे के लिए निकलते हैं। तो करना तो क्या, चलो भाई मैं नीचे आ गया हूँ। और अभी मेरे को देखो इनसे भी लड़ना पड़ेगा मैग्मा से, क्योंकि यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ इनका स्पॉनर लगा हुआ है, तो मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ने वाला है मेरे को। और साथ ही साथ देखो यहाँ पे अभी कितने सारे पिगलिन मेरे से लड़ने के लिए रेडी हुए हैं, लेकिन इनको शायद पता नहीं कि मार नहीं पाएंगे मेरे को। मैंने पूरा का पूरा नेदरराइट का आर्मर पहन रखा है, तो इस वजह से मार तो कोई भी नहीं सकता मेरे को इतनी आसानी से, लेकिन ये गैंडे नहीं छोड़ेंगे मेरे को। अरे भाई ये पक्का मार देंगे मेरे को यार, जगह ऐसे ही आते रहे, नहीं कंटिन्यू स्पॉन होते रहे तो मैं पक्का मरने वाला हूँ। और गाइस सच में ये लोग ना डैमेज तो नहीं दे पाते इतना, लेकिन तब भी मतलब बहुत ज़्यादा अनोइंग होते हैं ये, डुप्लीकेट हो जाते हैं साले चिपकंडी, गजब बेइज्जती है। तो गाइस चलो फाइनली थोड़े कम तो हुए ये, लेकिन अभी भी घूम तो रहे हैं यहाँ पे, और अभी ये पक्का और डुप्लीकेट हो जाएंगे, लेकिन ये जो छोटे वाले होते ऊपर नहीं आ पाएंगे इसके। चलो वो अपने लिए हिसाब से अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़े से ब्लॉक्स लगा लेता हूँ। अरे भाई क्यों आ रहा है मेरे सामने? और ये ना नॉर्मल वाले मैग्मा क्यूब से ना थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ये मतलब ऐसे नहीं होते जैसे वो वाले होते हैं ना मैग्मा क्यूब्स, उनसे थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। और चलो अभी सबसे पहले तो मैं इन लोगों का स्पॉनर तोड़ देता हूँ, जिससे ये लोग वापस स्पॉन ना हो पाए। और साथ साथ चलो इस टेस्ट में देखते हैं। अरे भाई ओ भाई मेरे को जो दिखा तुम लोगों को भी दिखा क्या? नहीं शायद इसमें एक इंचेंटेड गोल्डन एप्पल है, मतलब अपने को एक बहुत ही ज़्यादा रेयर चीज़ मिल गया है। और साथ साथ अरे भाई चिमकंडी छोड़ दो मेरे को यहाँ पे लूट करने दो, सालों निकलो यहाँ से, अबे निकल पकौड़े निकल यहाँ से। चलो ये तो इसको मैंने वापस से मार दिया, और ये अब ऊपर नहीं आ पाएंगे इतनी आसानी से। ये आ गया साला, पैसा बर्बाद। तो गाइस ये
छुटके वाले तो अब आ नहीं पाएंगे, चलो अपने लिए एक हिसाब से अच्छा ही है, चलो मैं सबसे पहले लूट कर लेता हूँ। और इसमें एक नेदरराइट का इंगेट भी है, मतलब सच में ये सबसे ज़्यादा बेस्ट ट्रेजर वाला, इसको शायद ट्रेजर बेस्ट नहीं बोलते, तो सच में बहुत अच्छी चीज़ मिल गई इसमें अपने को। और चलो अबे यार क्यों आ रहे तुम लोग, थ्रोन से ही मर जाओगे मेरे। आर यू कॉमेडी मी भाई, मैं सच में तुम लोगों को बहुत गंदी मौत मारने वाला हूँ। और मेरे को सिर्फ लूटने दो, उसके बाद तुम लोगों ने मारना भी होगा, मेरे को मार देना। नहीं मारना मत यार, लूट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ है। तो गाइस चलो फाइनली अब मैं अपने सारे के सारे गोल्ड को लूट सकता हूँ यहाँ पे, और साथ ही साथ अपनी उस वाली चेस्ट को भी लूटने वाला हूँ मैं। और सच में उसमें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सामान है। सबसे पहले रुको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कचरा वगैरह खाली कर देता हूँ, मेरे पास कुछ भी स्पेस नहीं। ओ यार अंडर चेस्ट निकल गई गलती से। और चलो इसको फेंक दिया मैंने, सारा का सारा जितना भी कचरा था मेरे पास मैंने सारा फेंक दिया है। और अभी हम लोग अपनी इस चेस्ट को लूट सकते हैं, लेकिन ये चिमकांडी मेरे को छोड़ देने वाला है, मेरे को पता है। अबे साले तभी मैंने, अबे चले जा नूबड़े, मार दूंगा तेरे को मैं तो। गया ना, मैंने बोला था तेरे को। और गाइस अपना गॉड एप्पल अपने को मिल चुका है, और ये अपना सबसे पहले वाला गॉड एप्पल है अपने इस माइनक्राफ्ट की सीरीज का। और साथ ही साथ देखो इसमें अपने को कितने सारे गोल्डन मतलब ब्लॉक्स मिल गए। और चलो ये थोड़े से क्वार्ट्ज भी ले लेता हूँ, और ये भी ले लेता हूँ मैं, कोई इतनी वो नहीं है। और चलो अभी मैं डायरेक्टली एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से बाहर निकलने वाला सीन नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को। एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से निकलता हूँ यहाँ से, और जस्ट दो मिनट मिलता आप लोगों से। 2000 years later तो गाइस मैं बाहर आया था, और मैं मतलब वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर लिया था, और एक जगह पर मेरे को एक और बेस्टियन मिल चुका है, जो कि मतलब पूरे के पूरे इन चिमकंडी से पिगलिन से भरा हुआ है। और अगर मैं अभी इनसे लड़ने के लिए जाता हूँ तो ये पक्का मेरे को मार देंगे। और चलो अभी मैं कहीं पे एक सेफ लैंडिंग लेता हूँ, और देखो कितने सारे मेरे पीछे पड़े हुए ये। और सच में अगर मैं बिल्कुल थोड़ी देर भी रुकता हूँ यहाँ पे, ये पक्का मार देंगे। और मैं पता नहीं कहाँ मैं ब्लॉक से आर पार से आ रहा हूँ, हैकर की तरह। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। और गाइस देखो कितने सारे पड़े हुए मेरे पीछे, और इन लोगों को इतना भी नहीं पता है कि मेरे पास पूरा नेदरराइट का आर्मर है। तुम लोगों को तो मैं आराम से मार दूंगा। और अगर मैंने गाइस इन लोगों को सबको मार दिया तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। लेकिन अभी मैं थोड़े दूर भाग लेता हूं यहां से, नहीं तो मेरे को पक्का मार देंगे ये लोग। बहुत तेज हो रहा है। तो गाइस चलो अभी आ गया हूं मैं पूरा पूरा प्रिपेयर होके। और अभी देखो अगर मैंने इन सबको मार दिया तो देखो मैंने जैसा बोला था आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक करना है। और चलो अभी इन लोगों को मारना स्टार्ट करते हैं। अरे मैंने स्वॉर्ड की तरह रख दिया, मैं अपनी स्वॉर्ड मैंने इसमें रख दी गलती से। और चलो अभी मेरे पास स्वॉर्ड भी आ गई है, और सबसे पहले हम इस वाले ब्रूट को मारते हैं। और ये पीछे से देखो मेरे ऊपर हमला कर रहा है, तेरे को जाता हूं, रुक जा अभी थोड़ी देर। और चलो अभी इस वाले को भी मारता हूं मैं। और देखो अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। और देखो ये नूबड़ा मेरे थ्रोन से ही मर गया, मतलब पिगलिन मेरे थ्रोन से ही मर गया। और इस वाले को अपने दोस्त की लाश को लूटने से मतलब है। और चलो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। शाबाश बेटा। और हाँ देखो अभी मैंने इसको मार दिया है, और यहाँ पे जो पीछे बेस्टियन है इसको लूटूंगा तो ज़रूर, लेकिन मैं उसको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि ये वाला बेस्टियन सच में वन ऑफ द वर्स्ट बेस्टियन है। तो इसलिए चलो अभी निकलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट बेस्टियन के लिए। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। तो गाइस मैं अपने घर को ढूंढ रहा था, बेस्ट लिटरली बोल रहा हूँ, मैं अपने घर को पूरी तरह से भूल चुका हूँ किस तरफ का मेरा घर। और साथ ही साथ अपने को एक और बेस्टियन मिल चुका है, और ये वो वाला है हाउसिंग वाला, ये मेरे को इसका पता है, मैंने उसमें देखा, वीडियोज़ में देखा है। तो मेरे को पता है इसमें कहाँ पे मेरे को चेस्ट मिल सकती है और कहाँ पे मेरे को गोल्ड मिल सकता है। तो चलो अभी हम लोग नीचे के लिए निकलते हैं यहाँ से डायरेक्टली। मैं अभी अपनी इलाइट्रा पहन लेता हूँ, और देखो कितने सारे यहाँ पे भी पिगलिन ग्रुप्स हैं, मेरे को पक्का मारने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन चलो अभी मैं सबसे पहले नीचे के लिए निकलता हूँ, और इन जस्ट दो मिनट में मिलता हूँ। अरे तू जा रही? चलो मैंने जंप लगा दी, और भाई मैं डायरेक्टली लावा में गिर गया। कैसे भाई, मैं पूरा का पूरा आगे को निकल गया था, मैं गलती से लावा में गिर गया हूँ, और शायद मैं निकल लूँगा। अबे यार मैं वापस से लावा में गिर गया, और मेरे हार्ट बहुत फास्ट ले रहा है, मेरे को लग रहा है मेरा टोटम यूज होने वाला है, और साथ ही साथ मैं मरने भी वाला हूँ, खत्म। तो गाइज अब मेरे बचना बहुत मुश्किल है, और लो अपना टोटम भी वेस्ट हो गया है। तो इसके लिए आप लोग प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इट मींस अ लॉट, 1 like = 1 prayer। और भाई तुम लोगों को तो मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ, अभी तो मेरे को फायर रेजिस्टेंस मिला हुआ, अब तो तुम लोगों को मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ। और अभी मेरा ब्लॉक्स नहीं है, तो मेरे को इसलिए अभी कुछ ना कुछ करके ऊपर के लिए भी निकलना पड़ेगा। और भाई पता नहीं मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मैं पूरा का पूरा बाहर को निकल गया था, लेकिन तब भी मैं गलती से नीचे को गिर गया वापस से। तो गाइस चलो मैं कैसे ना कैसे करके बाहर तो निकल गया हूँ, और चलो अभी इस चेस्ट को लूट लेते हैं। और अगर इसमें मेरे को कुछ अच्छा सामान नहीं मिला ना, मैं कसम से बोल रहा हूँ इसको पूरा का पूरा बेस्टियन को आग लगा दूंगा। ऐसे मजाक था ये, वापस से बोल रहा हूँ, मजाक था ये। और अपना एक टोटम भी वेस्ट हो गया साथ साथ, और इसमें चलो अपने को एक एशियन डब्रीज तो मिल गया है, और साथ साथ कुछ 6-7 गोल्ड भी मिल गया है। तो मतलब ठीक ही है, कोई ना सह लेंगे थोड़ा सा, एक टोटम के बदले एक अपने को एशियन डब्रीज मिल गया। वैसे ये काफ़ी बेकार सौदा सौदा, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और चलो अभी इन दोनों को भी मारता हूँ, इन दोनों चिमकांडियों को भी मैं मार लेता हूँ।
इस वाले को लगेगा क्या, हाँ लग गया, एक लग गया इसको। और यहाँ पे ना नीचे की तरफ वो है स्लैब्स है ना, तो इस वजह से मैं आधे आधे इससे नीचे गिर रहा हूँ। और इस वाले को तो मैं मार नहीं सकता, इसके लिए मैं वो से ही मार देता हूँ इसको। तो भाई लग जाइए ना, अरे नहीं लग रहा इसको, और चलो अब लग गया इसको। और ये वाला इस वाली तो मर ही जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने इसको एक बार शॉट से ही मारा था। और तू भी मर जा भाई, तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तू भी मर जा। तो गाइस चलो फाइनली ये वाला चिमकंडी भी मर चुका है, और अभी मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। और साथ ही साथ देखो ये वाला वेस्टर्न ना अच्छा वेस्टर्न है, जिसमें काफ़ी अच्छा सामान मिलने के चांसेस होता है, लेकिन मेरे को मिला तो नहीं। वैसे मेरा एक टोटम भी बर्बाद हो गया जी, चकी चक। और चलो अब जो हो गया उसके बारे में दुख मनाने से बढ़िया मैं अभी आगे के लिए निकलता हूँ। और सच में ये स्लैब्स की वजह से मेरे को थोड़ा डर लग रहा है यहाँ से नीचे उतरने में। और चलो अभी मैं यहाँ पे तो आ गया हूँ, और अभी हम लोग यहाँ से जाते हैं ऊपर के लिए। और यहाँ पे भी देख लेता हूँ मैं, यहाँ पे शायद से चेस्ट होती है ऊपर की तरफ में। अरे मैं किसके स्क्वाड के थ्रू तो नहीं चढ़ूँगा ऊपर। और यहाँ पे देखो, ओ भाई इसमें मेरे को वो मिल गई पिक स्टेप, मज़ा आया। और गाइस पिक स्टेप का मिलना सच में बहुत ज़्यादा रेयर है, क्योंकि पिक स्टेप ओनली 3% बेस्टियंस में जनरेट होती है, और बेस्टियन की जगह बेस्टियन के अलावा आपको कहीं और नहीं मिलेगी ये। तो मतलब अपने साथ बहुत ही ज़्यादा रेयर चीज़ें मिल चुकी है अपने को। और चलो अभी मैं यहाँ से जल्दी से बाहर के लिए निकलता हूँ, और शायद यहाँ पे और गोल्ड भी है, चलो इसको भी मैं निकाल लेता हूँ। चलो मैं सारा का सारा गोल्ड निकालता हूँ, और इन जस्ट 2 मिनट में मिलता हूँ। क्या बोला तूने? वैसे मैं गोल्ड लूट रहा था, और किसी पिगलेट ने मेरे को पीछे से आके धक्का दे दिया, और मैं नीचे गिर गया वापस से। और अभी मेरे पास कुछ सामान भी नहीं जिससे मैं ऊपर चढ़ सकूँ। तो मतलब मैंने अभी चेस्ट प्लेट पहनी हुई, तो इस वजह से मेरे को ज़्यादा डैमेज तो नहीं पड़ता है, मैं आराम से एक कॉर्नर से निकल सकता हूँ। लेकिन जिस पिगलेट ने मेरे को मारा है ना, उसको मैं पक्का मारने वाला हूँ। तो शायद जगह मिल गया तो मार दूंगा, जगह नहीं मिला तो नहीं मार पाऊंगा। तो क्या चलो अभी फालतू के लिए छोड़ता हूँ मैं, और चलो अभी यहाँ से बाहर निकलने की सोचते हैं हम लोग। और अगर मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ, तो मेरे को अपनी इलाइट्रा का यूज़ करना पड़ेगा, और मैं यहाँ से डायरेक्टली आगे के लिए निकल सकता हूँ। तो चलो अभी ये बात छोड़ता हूँ मैं। और गाइस मैं लिटरली अपने घर का रास्ता पूरी तरीके से भूल चुका हूँ, और अभी मेरे पास ना कोई भी रिसोर्स नहीं है कि मैं पोर्टल को जनरेट करके यहाँ से डायरेक्टली किसी और जगह से निकल सकूँ। तो मतलब अपने मरने के चांसेस 2000% हो चुके हैं, और साथ साथ मेरे पास अभी टोटम भी नहीं है, तो मतलब ख़त्म टाटा बाय बाय सब कुछ होने वाला है। और अगर मैं ये पूरी की पूरा मतलब सर्वाइव कर पाऊँगा ना, तो आप लोगों को जाके सच में चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, वो उस टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और देखो इस वाली वीडियो में मैं सिर्फ बेस्टियंस वाले पार्ट दिखाऊंगा आप लोगों को, और नेक्स्ट वाली वीडियो में दिखाऊंगा कि मैं कैसे बाहर निकला हूँ अपने इस नेदर से। तो स्टे ट्यून्ड टू वॉच दोज वीडियोज़ ऑल्सो। और गाइस तब तक के लिए गुड बाय, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।